खबर शामिल करते हैं बलवाल से, जहां नया साल नई उम्मीदें, लेकिन महंगाई ने आवाम की तमाम तर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आवाम महंगाई के हाथों क्लीन बोर्ड आटा नायाब हो गया, दालें घी चीनी अशिया फुर्दो नोश सब महंगी हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे कमर जुमान इंकलाबी की इस रिपोर्ट में। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन बाजार बलवाल में, जहाँ पर महंगाई के मतलब खरीदारों का ये कहना है कि महंगाई का 2021 महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया है। आइए उनसे बात करते हैं। चोरे वो चोरे, आप मुझे ये बताएं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर वो चोरों को पकड़े ना, तो ये वैसे रोज़ बरोज़ तकरीरें करने से क्या फ़ायदा है। ये रोज़ बरोज़ कहते हैं कि वो तकरीरें, आप इसका मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, अभी उसको बोलते हैं कि ये चोर है, फिर आपके पास इतनी अथॉरिटी तो है कि उन चोरों को पकड़े ना। लेकिन अगर वो फिर ये असल बात ये है कि वो लोग चोर नहीं है, बस इसने रोज़ बरोज़ तकरीरें करनी है, गरीब आवाम को बस मारना है। ठीक है लोग, ये खरीदारों का ये कहना है कि 2021 महंगाई का तूफान, गरीब आदमी का जीना हुआ है महाल। अलैकुम भाई यार, महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम की पहुंच से दूर हो गई है, लोग की भूखे मरने पर मजबूर हो गए हैं। ये घी जो सा आम मार्केट में पहले 230 रुपए का था, आज इसकी कीमत 270 रुपए है और फिर भी मार्केट में वैली भर नहीं है। ये घी जो सा आपको डालडा नज़र आ रहा है, ये आपको मिल रहा था 247-245 रुपये में आम था, अब इसका ये हालात हो गया 2021 के चढ़ते ही ये 292 रुपये का हो गया, तकरीबन 300 रुपये का। और फिर भी इनकी डिमांड अभी और सुनने में आ रही है कि 215 रुपये ये हमें परचेज़ करेंगे और हम आगे से क्या सेल करें। इस गवर्नमेंट को चाहिए कि घी कम से कम पेश, घी और आटे पे खसूसी ध्यान लें, क्योंकि ये हर चीज़ की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। इसके बगैर हांडी नहीं तैयार हो सकती और आटे के बगैर रोटी नहीं बन सकती। मेहरबानी की जाए कि आटा आम किया जाए। आटा आज सातवां आठवां दिन है, तकरीबन आटा नहीं मेरा, हमें कहीं से नहीं मेरा आटा, जो मिल रहा है मालकान मिल मालकान की अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। 920 रुपए का हमें गट्टू आटा दे रहे हैं, 860 वाला आटा हमें नहीं दे रहे, किसी किस्म का आटा नहीं दे रहे। इसमें ख़रीदारों का ये कहना है कि जनाब महंगी अशिया, दाल जी घी चीनी आटा पेट्रोल LPG महंगी होने से आवाम खरीदारों का बुरा हाल हो चुका है। कमरुज़मान इनकलाबी, बिग न्यूज़ बलवाल।